सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड शंकर घोष ने कहा कि उनकी पार्टी 22 राज्यों में 151 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर भी चुनाव लड़ने का पार्टी ने फैसला किया है। मुरादाबाद से हरकिशोर सिंह एडवोकेट पार्टी के प्रत्याशी होंगे। घोष महानगर के सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में मेहनतकशों की एकमात्र भरोसेमंद क्रांतिकारी पार्टी SUCIC है, जो अपने स्थापना काल से ही मेहनतकशों के हितों को संघर्ष कर रही है और जन समस्याओं के खिलाफ लगातार अनुशासित और संगठित जन आंदोलन चलाते हुए समस्याओं के समाधान करने में विश्वास करती है। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर धन बल, बाहुबल और मीडिया बल की राजनीति ने मूल्यपरक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को हास्य पर धकेल दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से पार्टी ने जिन्हें 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उसमें मुरादाबाद से हरकिशोर सिंह एडवोकेट उम्मीदवार होंगे, जो कि लंबे समय से मेहनतकशों की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ से कामरेड राम कुमार यादव, बलिया से कामरेड विजय कुमार, कानपुर से कामरेड बालेंद्र कटिहार और जौनपुर से कामरेड राम प्यारे उम्मीदवार होंगे। उन्होंने आमजन से पार्टी प्रत्याशियों का समर्थन किए जाने की अपील की। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा जी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, जो चीज चल रहा है हमारा देश में, BJP को फैसिस्ट राज चल रहा है और उनका विरोध पर जो इंडिया जोट है, दो ही पूंजीपतियों का जोट है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, काम कर रहे थे, काम करेंगे। इसका विरोध में हमारा पार्टी सोशलिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट एसोसिएशन कम्युनिस्ट बहुत दिनों तक लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं। इस चुनाव में भी, और बहुत मुद्दे हम हासिल भी किए, इस चुनाव में भी हम 22 स्टेट पर 191 कैंडिडेट ने दिया, प्रत्याशी दिया, और मुरादाबाद में भी हमारा प्रत्याशी है हजारू संग्रामी नेता, क्रांतिकारी नेता कमल हरकिशोर सिंह, उन्होंने हैं, उन्होंने हमारा मुरादाबाद क्षेत्र में हमारा प्रत्याशी है। UP में हमें 5 प्रत्याशी दिया, एक है मुरादाबाद में कमल हरकिशोर सिंह, दूसरे है कानपुर में कमल बलेंद्र काटिहार, दूसरे जौनपुर में चौथा प्रतापगढ़ में बलिया में, 5 प्रत्याशी हम दिया। इसीलिए हमारा बात ये है कि जनता को पास हमारा ये कहने है, चुनाव में हम लड़ेंगे किंतु असली लड़ाई तो मैदान में होगा, असली लड़ाई मजदूरों को लड़ाई संघर्ष हम करेंगे, इस देश को किसान मजदूर संघर्ष करेंगे। और हमारा प्रत्याशी मुरादाबाद में कमल हरकिशोर सिंह, उन्होंने एक जुझारू संग्रामी नेता है, ये मुरादाबाद में जितना जनता को लड़ाई हुआ था, कमल हरकिशोर सिंह ने वो भाग लिया था, नेतृत्व तो दिया था। हमारा पार्टी कम विजय पर सिंह जी है, हमारा स्टेट सेक्रेटरी है, सचिव है, स्टेट सचिव है, उन्होंने भी बहुत जुझारू नेता है, लड़ाई किया। मुरादाबाद लोकसभा सीट से SUCIC कम्युनिस्ट द्वारा घोषित प्रत्याशी हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने मजदूरों के हित में अनेक लड़ाइयां लड़ी, उनमें सफलता भी हासिल की। आज पूंजीपतियों के खिलाफ मेहनतकश मजदूरों को अपनी पार्टी का परचम लहराने की जरूरत है। उन्होंने आगे क्या कहा, ये सुनते हैं। 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी जो क्रांतिकारी मजदूर किसानों की क्रांतिकारी पार्टी है, और जो जनता के पैसे से ही उसका सारा संचालन होता है, हम यहाँ एक लंबे समय से जैसे ठेला पटपटी वाले हैं, उनके रोज़गार के लिए, उसको रोज़गार बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी है, उसके जो उजाड़े गए लोग हैं, उनके रोज़गार के लिए हमने लड़ाई लड़ा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ लोगों के कारोबार को उजाड़ा गया, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और तमाम जो पीतल मजदूर हैं, दस्तकार हैं, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और जिस तरीके से ठेले पटपटी वालों को
बार बार उजाड़ा जाता है, उनके स्थायी जगह के लिए हम लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर 11 गांव की जो ज़मीन है, जो 20,000 बीघा लगभग ज़मीन से लाखों किसानों को बेदखल करने के लिए जो सरकार ने एक योजना चलाई है और MDA उसको एक्वायर कर रहा है, उस ज़मीन को बचाने के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यही हमारे मुद्दे हैं, और अगर शहर की जनता इसमें हमें साथ देती है तो ये लड़ाई और मजबूत होगी, और हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को ले जाएंगे, और लोगों के रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, नौजवानों को नौकरी के लिए, और जिस तरीके से ये भाजपा सरकार जो फासिस्ट तरीके से लोगों का दमन कर रही है, उनका रोज़गार छीन रही है, महंगाई बढ़ा रही है, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, तो ये जो सारे मुद्दे हैं हमारे, हम इनको लेके पहले भी लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष में हैं, और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। और हम शहर की जनता से यही अपील करते हैं कि इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें वोट करें और हमारी सबकी लड़ाई को मजबूत करें, यही हम आपके माध्यम। मौके पर घोषित प्रत्याशी कामरेड हरकिशोर सिंह, कामरेड विजयपाल सिंह के अलावा कामरेड अविनाश सक्सेना, एडवोकेट कामरेड मोहम्मद गौरी, एडवोकेट कामरेड इस्लाम अली, कामरेड रंजन नंदा, मोहम्मद रिजवान, गबरू सैफी और श्याम सुंदर सहित अनेक नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सपा, कांग्रेस, गठबंधन और भाजपा सहित किसी भी दल ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की। SUCIC मात्र ऐसी पार्टी है जिसने सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ते हुए मुरादाबाद में अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करके खाता खोल दिया है।